हाय मिसिस, देखो टुडे आई टीच यू द वेरिएबल्स. ओके, वेरिएबल्स मीन्स मैंने आपको बताया था, देर आर द मेजर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. इन दी जस्ट वी अंडरस्टैंड द व्हाट इज वेरिएबल. वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी को, जैसे किसी का ये पर्टिकुलर चीज कोई है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एम एस सी नर्सिंग स्टूडेंट. ओके, इन दी एम एस सी नर्सिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट मान लो, फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ द स्टूडेंट लाइक रूपाली. ओके, इट इज अ नॉलेज ऑफ रूपाली इन द ट्यूबरक्लोसिस. रूपाली का ट्यूबरक्लोसिस पे नॉलेज कितना है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. और इफ आई एम टीचिंग, आई एम अ टीचर ऑफ यू ऑल, आई एम टीचिंग द स्टडी मटेरियल ऑफ रिसर्च. ठीक है, तो मैं जो एक रूपाली को पढ़ा रही हूँ रिगार्डिंग द टीबी, तो रूपाली के नॉलेज में कितना एनहेंस हो रहा है, क्या रूपाली के नॉलेज में कुछ इफेक्ट हो रहा है जो मैं टीचिंग दे रही हूं. तो जो मैं टीचिंग दे रही हूं, अगर वो रूपाली के नॉलेज में इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड रूपालीज नॉलेज इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स. अंडरस्टैंड? वेरिएबल्स मीन्स, वेरिएबल्स का मीन्स मतलब ये होता है कि देयर इज अ क्वालिटीज टू अफेक्ट समथिंग फ्रॉम समवन. अंडरस्टैंड? मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, सी डिपेंडेंट, नाम से पता चल रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, तो जैसे दिस इज द नॉलेज ऑफ एमएससी स्टूडेंट्स, दीज आर दी एमएससी स्टूडेंट, देर आर दी 15 एमएससी स्टूडेंट्स इज देयर. ओके, एंड आई एम टीचिंग, दिस इज मी शशि. ओके, हु इज टीचिंग द रिसर्च. ओके, तो जो मैं पढ़ा रही हूं, अब आप लोग खुद मुझे बताओगे, जो आई एम द टीचर. ओके, आई एम टीचिंग यू और यू पीपल आर दी डिपेंडेंट ऑन माई लेक्चर. अंडरस्टैंड? मेरे लेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है आपका रिसर्च में नॉलेज. तो मैं आप लोगों को जितना अच्छे से पढ़ाऊंगी, उतना ही ज्यादा आप लोग का नॉलेज इंक्रीज होगा. मैं जितना गंदा पढ़ाऊंगी, बेकार पढ़ाऊंगी, तो आपका नॉलेज इंक्रीज नहीं होगा. अंडरस्टैंड? तो जितना मीन्स अंडरस्टैंडिंग माई थिंग्स, मैं, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हु इज गिविंग लेक्चर, हु इज अफेक्टिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ये जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. योर नॉलेज एंड यू पीपल आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स विच इज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. नाउ अब मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को. सॉरी, नाउ आई टीच यू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. वॉट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? सी, जैसे यू पीपल ऑल आर दी वर्किंग. ओके, आप सब जॉब करते हो. आप लोग कैसे जाते हो कॉलेज या फिर अपने हॉस्पिटल प्लेस पे जहाँ पे वर्किंग करते हो. मीन्स यू पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दी व्हीकल्स लाइक बस, व्हीकल्स लाइक ऑटो. अंडरस्टैंड? तो यू पीपल आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड दिस ऑटो और व्हीकल्स विच इज प्रोवाइडेड फॉर यू आर दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अंडरस्टैंडिंग थिंग्स? तो वेरिएबल डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. अब नाउ आई एम टीचिंग यू, इतना आप लोगों का बेसिक क्लियर हो गया होगा. तो नाउ कम टू द रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे नाउ अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, दिस इज अवर टॉपिक. एज यूजुअल वी टॉक अबाउट ट्यूबरक्लोसिस. इन द ट्यूबरक्लोसिस व्हाट विल डू, प्रिवेंशन हम करते हैं. ठीक है, प्रिवेंशन पे हम स्टडी कर रहे हैं. विल स्टडी अबाउट द प्रिवेंशन. अब जैसे प्रिवेंटिव मेजर्स, फॉर एग्जाम्पल, अब ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेंशन के लिए आप लोगों को एक वो बनाएंगे, बुकलेट बनाएंगे, मैगजीन्स टाइप बनाएंगे आप. ठीक है, आपने मैगजीन बनाया है और आपने कम से कम, आपके सैंपल साइज है 60. इन 60 लोगों को ट्यूबरक्लोसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है. अब व्हाट यू विल डू, यू विल यूज दिस बुकलेट टू टीच दिस पीपल. नाउ यू टेल मी विच वन इज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड विच वन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. आई होप आप लोग समझ सकते हैं. दिस टीचिंग मटेरियल विच यू विल टीच टू द पेशेंट, टू द ऑडियंस, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. एंड जो आप पे डिपेंडेंट है, दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स. नथिंग टू वरी, नथिंग टू टफ. बहुत ही ईजी है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मैं इसलिए आप लोग को यहाँ फोकस कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आई एम गोइंग टू टीच यू दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. ओके, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में आप लोगों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे आप लोग को इफेक्ट देखना है. तो अगर आप अभी नहीं समझेंगे वेरिएबल्स को, तो विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. ओके, फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, नाउ विल सी दी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन?
I hope my new method is very fruitful for you. See, experimental means if we see the effect of one thing, किसी एक चीज का प्रभाव हम किसी दूसरे पर देखते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड. आप जैसे देखो, फॉर एग्जांपल, दिस इज बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स. ठीक है, अब बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में दो ग्रुप मैंने बना दिए हैं. दिस इज 30 स्टूडेंट्स एंड दिस इज बीएससी नर्सिंग 30 स्टूडेंट्स. टोटल 60 की स्ट्रेंथ है. ठीक है, सो दिस इज क्या किया, मैंने एक दो ग्रुप बना दिए हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर्स के. ठीक है, दो ग्रुप में ए ग्रुप एंड बी ग्रुप. अंडरस्टैंड? तो अब इस ग्रुप को मैं इंटरवेंशन दूंगी, मतलब पढ़ाई लिखाई वाले मटेरियल्स दूंगी, और इस ग्रुप को मैं कुछ भी नहीं दूंगी. आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग. नाउ यू टेल मी, जो ग्रुप ए है उसमें और ग्रुप बी में, ये सब फ्रेश बच्चे हैं, ये सब 12th पास करके आए हैं, और मैंने क्या पढ़ाया है इनको, एटिकेट्स. मैंने इनको एटिकेट्स पढ़ाया है. ठीक है, नाउ यू टेल मी कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा नॉलेजेबल होगा रिगार्डिंग द एटिकेट्स, रिगार्डिंग द एटिकेट्स रूल्स रेगुलेशन. नाउ यू टेल मी द हु इज द बेस्ट परफॉर्मर. मतलब समझ रहे हो, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ए ग्रुप और बी ग्रुप का. अब जब तक हम इस ग्रुप को अगर नहीं रखते हैं, हम मान लो इस ग्रुप को हटा देते हैं, इस ग्रुप को मत रखो, तो क्या आप एक्सपेरिमेंट कर पाओगे केवल सिंगल ग्रुप के साथ में? बिल्कुल नहीं कर पाओगे. हमें दो ग्रुप इसलिए रखना पड़ता है ताकि हम एक्सपेरिमेंट कर सके, बिकॉज दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. अगर हमारे पास दो ग्रुप होगा तभी हम कोई चीज को एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल, यू आर पोस्टेड इन द मेदांता हॉस्पिटल. In first floor, there are the diabetes patient. Okay. In the second floor also diabetes patient. But in the first floor only you are providing the insulin. First floor के patient को आप insulin provide कर रहे हो, but second floor के patient को आप insulin provide नहीं कर रहे हो. What will be the reactions? Only the diabetes patient of first floor will be all right. और second floor के जो diabetes patient है उनका level जो है sugar का वो increase हो जाएगा. मीन्स यू आर क्लियरली एबल टू सी दी एक्सपेरिमेंट, है ना. अगर आपके पास सेकेंड फ्लोर के बच्चे, सेकेंड फ्लोर के पेशेंट नहीं रहते तो क्या आप एक्सपेरिमेंट कर पाते? आपको इफेक्ट पता चल पाता? इंसुलिन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यह पेशेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंसुलिन का इफेक्ट, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट, क्वाइट 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 क्या लिखा एक्सक्यूज मी गाइस.